दोस्तों, आपने पीएफ विड्रॉल करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट किया था, क्लेम है सेटल हो चुका है और आपकी पासबुक से भी बैलेंस कट चुका है, लेकिन आपकी बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं आया। एक हफ्ता हो गया या 10 दिन हो गया, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, जो प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो एक दिन के अंदर ही आपकी बैंक अकाउंट में सेटल हुआ बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। 101% गारंटी देता हूँ। इसके लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और जो प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इस प्रोसेस को सेम टू सेम आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा दूं। दोस्तों इस साइड में आप देख सकते हैं फॉर्म नंबर 19 और यहाँ पर बैलेंस जो आया है फॉर्म नंबर 19 का, इस साइड में आप देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म नंबर 10C और बैलेंस इस साइड में आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो आपको ग्रीवेंस करना है, लेकिन दोस्तों ग्रीवेंस आपको किस तरीके से करना है आपको तरीका पता होना चाहिए। दोस्तों अगर इस वीडियो में आप क्लिक किया हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तो आपका जो प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जानकारी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको हेल्पफुल नॉलेज वीडियो मिलते रहे। आपको पीएफ ईओ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी टेक्निकल मिथुन इंडिया स्क्रीन पर शो कर रहे, आप मैसेज कर सकते हैं, साथ में प्लीज फॉलो भी कर लेना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सब एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है पीएफ ग्रीवेंस। नेक्स्ट थोड़ा सा स्लाइड डाउन करना है, वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा रजिस्टर ग्रीवेंस। तो रजिस्टर ग्रीवेंस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपका मोबाइल का डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है, इसके लिए राइट साइड में 3 डॉट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको स्लाइड डाउन करके डेस्कटॉप साइट पर चेकआउट कर देना है। नेक्स्ट स्लाइड डाउन करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपका पीएफ की रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको पीएफ मेंबर सिलेक्ट करना है, डाउन करना है, यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यानी आपका जो यूएन नंबर है यहाँ पर इंटर करेंगे और ये जो सिक्योरिटी कोड है यहाँ पर इंटर करेंगे, गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी देर लोडिंग होगा, आपको वेट कर लेना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, आपको डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। और दोस्तों आपका जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर का 3 डिजिट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आधार लिंक मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करेंगे। नेक्स्ट सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सेलेक्ट डाउन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेना है। के बाद आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है उस एड्रेस को आपको यहाँ पर फिल करना है पिन कोड के साथ, और यहाँ पर जो कंट्री है कंट्री को इंडिया ही रहने देना है। यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आप चाहे तो ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर इंटर करेंगे ना, एड्रेस वगैरह इंटर करने के बाद एक बार वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रीवेंस डिटेल्स, तो आपका जो पीएफ अकाउंट का जो मेंबर आईडी है, मेंबर आईडी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। हमें जो प्रॉब्लम है पीएफ ऑफिस से है, तो दोस्तों आपका क्लेम सेटल हो चुका है और आपका पीएफ बैलेंस नहीं आया, तो पीएफ ऑफिस से हमारा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम पीएफ ऑफिस सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा सिलेक्ट डाउन करेंगे, यहाँ पर ग्रीवेंस कैटेगरी, तो यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, कैटेगरी है सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर ग्रीवेंस कैटेगरी आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अमाउंट नॉट क्रेडिट इन बैंक अकाउंट आफ्टर क्लेम सेटलमेंट, यानी आपका जो क्लेम है सेटल हो चुका है लेकिन आपको बैलेंस नहीं मिला है, तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने ग्रीवेंस कैटेगरी जो है सिलेक्ट कर चुका हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन, यानी ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझना है। यहाँ पर जितना आप अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखोगे, आप जितना अच्छा तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हैं, उतना ही जल्दी आपकी बैंक अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। क्लेम करते टाइम जो डिस्क्रिप्शन लिखा था वही मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, अभी आप इसका कॉपी करके आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ये आप इससे भी अच्छा से आप लिख सकते हैं। मैं और पहले से लिख रखा हूँ तो मैं यहाँ पर सिर्फ पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं पहले लिखा हूँ डियर सर मैम, सब्जेक्ट पीएफ विड्रॉल, मैंने यहाँ पर लिखा हूँ पीएफ फुल एंड फाइनल विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट सबमिट किया था, और जिस डेट को मैंने रिक्वेस्ट सबमिट किया था उस डेट को यहाँ पर लिखा हूँ, और जिस डेट को क्लेम सेटल हो चुका था उस डेट को यहाँ पर लिखा हूँ। बाकी आप अपना तरीके से आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक पॉइंट लिखा हूँ, मेरा घर पर बहुत मेडिकल प्रॉब्लम है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रॉब्लम की जांच करें ताकि सेटल हुआ बैलेंस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, इससे भी बेहतर आप लिख सकते हैं। तो आप जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखोगे इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी, अल्फा वगैरह भी होना चाहिए। ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट,
और दोस्तों यहाँ पर जो है आपका जो डॉक्यूमेंट है सिर्फ पीडीएफ ही अपलोड होगा। पासबुक जो सेटल हुआ है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे कि यहाँ पर आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और आपका फोन में जहाँ पर भी है उस फाइल को आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर अटैच पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट को चेक भी कर सकते हैं प्रीव्यू पर क्लिक करके। अगर आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं तो रिमूव पर क्लिक करके आप रिमूव कर सकते हैं, दोबारा से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे ग्रीन कलर में आपको सक्सेसफुल दिखा दें तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऐड, तो ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा और आपकी यहाँ पर जो डिटेल्स है यहाँ पर दिखा देगा, तो आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट नीचे स्लाइड डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपका पीएफ नंबर और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्रीवेंस कैटेगरी, यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट नॉट क्रेडिट इन बैंक अकाउंट आफ्टर क्लेम सेटलमेंट। तो नेक्स्ट यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी देर लोडिंग होगा, आपको वेट कर लेना है। आपका क्लेम सबमिट होते ही आपको इस तरीके से एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको पीएफ नंबर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं और आपका ऑफिस एड्रेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है या आपको कॉपी करके रख लेना है। इसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगा। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप ग्रीवेंस रजिस्टर करते हो तो एक दिन के अंदर ही आपकी बैंक अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, आई होप जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना, तब तक के लिए बाय बाय।